हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 लीटर जितना दूध। यहाँ पर मैंने अमूल का गोल्ड पैकेट यूज़ किया है, आप चाहे तो बफेलो मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब इसमें एक उबाल आने लगेगा ना, उसी टाइम पे हमें ऐड कर देना है 1 चम्मच जितना नमक। अभी इस मिश्रण को अच्छी तरीके से चला लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे विनेगर और पानी वाला मिक्सचर। यहाँ पर मैंने 1/3 कप जितना विनेगर लिया है और 1/3 कप जितना पानी लिया है, दोनों को मैंने डाइल्यूट कर लिया था। अब इस मिश्रण को आपको धीरे धीरे डालते जाना है जब तक कि आपका दूध फट न जाए। अगर आपको मिश्रण कम पड़े ना तो आप दूसरा मिश्रण भी बना सकते हैं, पर मेरे दूध के लिए इतना मिश्रण काफ़ी था, इस वजह से मैंने 1/3 कप पानी और 1/3 कप विनेगर लिया था। तो आप देख सकते हैं हमारा छीना बन रहा है और दूध हमारा अच्छी तरीके से फट चुका है। तो गैस की फ्लेम मैं इस टाइम पर बंद कर दूँगी और मिश्रण को 5 मिनट के लिए मैं साइड में छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और पानी अलग हो चुका है और हमारा छीना भी अच्छी तरीके से अलग हो चुका है। तो इस छीने को हमें छान लेना है। तो दूसरी तरफ मैंने पतीले के ऊपर एक छन्नी रखी है, इसके ऊपर एक कॉटन का गीला नैपकिन रखा हुआ है। इसके अंदर हम डाल देंगे ये मिश्रण। ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कपड़ा यूज़ करें उसे गीला करके लीजिएगा। अभी इसे हमें स्क्वीज़ कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे ये गर्म रहता है, तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा। तो मैं इसे हल्का सा स्क्वीज़ कर ले रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में गर्म पानी करने के लिए छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गर्म पानी ले लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे हमारी पोटली। ऐसा करने से इसमें से जो विनेगर की स्मेल है ना, वो हट जाएगी। तो 2 से 3 बार हमें इसमें डीप करना है और फिर इसे स्क्वीज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 बार इसे स्क्वीज़ कर लिया है और देख सकते हैं आप, मैंने साथ ही साथ ठंडे पानी की एक पतीली भी ले ली है जिसमें मैंने एकदम चिल्ड पानी लिया है। अब इस छीने को हमें मसलना है, तो मैं यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थाली में भी इसे स्क्वीज़ कर सकते हैं। हथेली की मदद से ये इतना अच्छा स्क्वीज़ नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मैंने चॉपिंग बोर्ड का यूज़ किया है। अब इस छीने को हमें डाल देना है सीधा ठंडे पानी की पतीली में और फिर उसमें स्क्वीज़ करना है, फिर हमें डालना है गर्म पानी की पतीली में। ये प्रोसेस को हमें 2 बार रिपीट करना है। ध्यान रखिएगा कि 2 से ज़्यादा बार इसे रिपीट मत कीजिएगा, नहीं तो ये चीज़ चेडर चीज़ की बजाय मोजरेला चीज़ बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे 2 बार स्क्वीज़ कर लिया है। अब इस छीने को हमें पीसना है, तो मैं यहाँ पर इसको मिक्सी में पीस लूँगी ताकि इसमें से जो दरदरापन है ना वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है और इसमें हल्का सा क्रीमी टेक्सचर आने लगा है। तो इसे साइड में रख दूंगी और दूसरी तरफ एक कटोरी में मैंने लिया है 1/2 कप जितना रूम टेम्परेचर वाला मिल्क। ध्यान रखिएगा कि आपको रूम टेम्परेचर वाला मिल्क लेना है, ना ही गर्म लेना है ना ही ठंडा लेना है। इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून जितना अगर-अगर पाउडर। ध्यान रखिएगा कि ये इन्ग्रीडियंट मेन है, इसे आपको स्किप नहीं करना है। अब इसको अच्छी तरीके से हम इसमें मिला लेंगे। अब मैंने गैस के ऊपर चढ़ा लिया है एक पैन। पैन के अंदर हम डाल देंगे डाइल्यूट किया हुआ मिश्रण, जो अगर अगर वाला दूध हमने बना कर रखा था उसे हम डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ छीना जो हमने मिक्सी में पीस के रखा था। अब इस मिश्रण को हमें पकाना है। तो करीबन इस मिश्रण को पीसने में हमें 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर आपको मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब ये बहुत गाढ़ा हो चुका है, तब मैं इसे साइड में रख दूँगी, इसे ठंडा कर लूँगी और फिर इसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है और देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर हमें मिला है। तो अब मिश्रण को हम वापस से उसी पैन में डालेंगे और इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि जो मार्केट में चीज़ मिलता है ना वो सॉल्टी रहता है, तो बस उसी तरीके का चीज़ हमारा बन पाए। तब इस मिश्रण को वापस से हमें 2 मिनट के लिए पकाना है। तो आप देख सकते हैं अब 2 मिनट के बाद आप देखेंगे ना, तो ये पैन से अलग होता जाएगा, छूटेगा। तो बस उसी टाइम पे आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक डिब्बा। डिब्बे के अंदर मैंने बटर पेपर बिछा लिया है और इसके अंदर हमारा मिश्रण डाल देना है। ये बटर पेपर घर का बना हुआ है, अगर आप चाहें तो ये बटर पेपर घर पर भी बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या ऊपर आई बटन में दे दूँगी। अब इस मिश्रण को आपको डैब डैब करते हुए दबा देना है ताकि इसमें से एयर बबल निकल जाए।
और इसके ऊपर भी मैं एक बटर पेपर बिछा दूंगी ताकि एकदम इसका सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर हमें मिले, स्मूद वाला। अब इसे ठंडा होने के लिए करीबन आपको 6 घंटे के लिए फ्रीज में रखना है। आप चाहें तो 1 घंटे बाद भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे फ्रीज में से निकाल लिया और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए। तो चलिए इसको डीमोल्ड भी कर लेते हैं। तो देखिए एकदम बाजार जैसा हमारा चीज़ तैयार होके आया है ना। तो अब इसके ऊपर से मैं बटर पेपर निकाल लूँगी, देखिए रिजल्ट आपके सामने है गाइस। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो अब ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसके हम करते हैं पीसेस, और पीस करने के बाद मैं आपको इसको मेल्ट करके भी दिखाऊंगी कि ये एक्चुअल में चीज़ हमारा बना है विदाउट रेनेट, देखिए। तो अब अगली बार बाज़ार से लेने की बजाय घर पर ही चीज़ बनाइएगा, वो भी मिनटों में, देखिए एकदम लग रहा है ना बढ़िया। और ट्रस्ट मी गाइस ये टेस्ट में भी बिल्कुल चीज़ जैसा ही है, बाजार जैसा ही चीज़ हमारा घर पे बन के आया है। देखिए कितना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, देखिए। तो चलिए मैं आपको इसे ग्रेट करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर इसका मैंने एक पीस ले लिया है और इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ, देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ को छीन लिया है। तो चलिए इससे हम एक रेसिपी भी बना के देखते हैं कि असल में मेल्ट होता है नहीं मेल्ट होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक पैन में बटर ले लिया है, इसके ऊपर मैं रोटी बिछा दे रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ब्रेड नहीं थी, तो मैं यहाँ पे रोटी पिज्ज़ा ही बना रही हूँ। तो इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ चीज़ हमारा। अब इसे लीड कवर करके मैं इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है गाइस। तो वीडियो पसंद आया ना तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, पास में दिए गए बेल बटन को जरूर से हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चेडर चीज़ घर पर बनाकर अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।